हाँ जी, तो बाइनोमियल में लास्ट लेक्चर में अपन ने देख लिया था कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स व्हेन प्लस साइन इज प्रेजेंट होता है 2 की पावर n, एंड ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम जब अल्टरनेट साइन होता है प्लस माइनस वो जीरो होता है ना। तो उस पर छोटी छोटी क्वेश्चन कर लेते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, ताकि समझ में आ जाएगा अप्लाई कैसे करना है। सपोज मान लो क्वेश्चन इज 18C0 प्लस 18C1 प्लस 18C2 से लेके 18C18 तक आ गया, ठीक। तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है और सबके बीच में प्लस है, तो इसका आंसर 2 की पावर 18 हो जाएगा। 2 की पावर 8। चलो मान लो ऐसा हो गया 33C2 33C3 से लेके 33C2 तक सारे आ गए, तो अब आपको पता है कि सारे होंगे तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर 32 33, लेकिन उसमें से कौन कौन मिसिंग है तो वो घटा दो। तो एक तो 33C0 नहीं है, एक 33C1 नहीं है और एक 33C33 नहीं है। अगर ये तीनों उसमें मैं ऐड कर दूं तो सबका सम बनेगा 2 की पावर 33। अब वो तीन ऐड करें या उनको घटाना भी पड़ेगा, तो क्या ये आंसर इसके बराबर आ जाएगा? बस, तो 2 की पावर 33 माइनस ये होता है 1, ये होता है 33 और वो भी होता है 1, तो आंसर आ गया 2 की पावर 33 माइनस 35। क्लियर है? चलो, तो ये तो समझ में आ गया। अब मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 से लेके 21C10 तक, बस इतना ही है। फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, फिर हम सोचेंगे कि आगे के 11 टर्म बचे हैं अभी, 21C11 21C12 21C13, तो वो जोड़ेंगे वो घटाएंगे, तो वो घटाएंगे तो उसकी सीरीज का तो हमें पता नहीं है सीधा सीधा 21C11 से लेके 21C21 तक, क्योंकि ना तो उनमें सबके पैर सेम है। अगर सबके पैर सेम होते तो कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो लग जाती, वो भी नहीं लग सकती। तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाएं कि एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि शुरुआत से और लास्ट से सिमेट्रिकली अगर अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट लेते हैं तो वो बराबर होता है। तो आप दिमाग लड़ाएं, तो ये एन की वैल्यू है 21, तो टोटल बाइनोमियल कोफिशिएंट कितने होंगे? 22 होंगे, 21C0 से लेकर 21C21 तक। Yes, sir. Yes, sir. तो 21C0 21C1 से लेके 21C10 प्लस 21C11 से लेके 21C20 प्लस 21C21। अब आपको पता है ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ऐसे ये और ये बराबर है। तो अगर मैं यहां से पार्टीशन कर दूं, अगर ये x है तो ये भी x है। Yes, sir. तो x प्लस x 2x किसके बराबर है? 2 की पावर 21 के। तो ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना है? 2 की पावर 21 ना, तो ये 2 की पावर 21 के बराबर है। तो x 2x बराबर 2 की पावर 21, तो x कितना हो गया? 2 की पावर 20 के बराबर आ गया। तो बस इसका आंसर आ गया 2 की पावर 20। ये समझ में आ गया सबको? ठीक। मान लो नेक्स्ट में मैं आपसे पूछ लूं, (22C0 + 22C1 + 22C2) से लेके 22C10 तक, या तो अगेन वैसा ही सोचोगे आप कि इसके आगे yes,
इसके आगे अब बचा है 22C11 प्लस 22C12 से लेके 22C22। पहले तो अब ये बताओ टोटल टर्म्स कितने होंगे 22 के 23। 23 होंगे है ना, 23 सर, एन प्लस वन होंगे। तो देखो पहला और लास्ट सेम है, दूसरा और सेकंड लास्ट सेम है, ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 11 इधर 11 इधर, बीच में एक बच जाएगा और वो जो बचेगा वो ये होगा। देखो 11 तो ये हो गए और 11 ये हो गए, 11 11 22, ये बीच में बचेगा मिडल वाला। और मैंने बताया था ना आपको मिडल टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसमें 23 टर्म है टोटल, तो 23 प्लस 1 24 बटा 2 मतलब 12वां टर्म मतलब पैर में 11वां, सही है ना। तो ये मिडल टर्म हो गया, मिडल कोफिशियंट है, ये मिडल कोफिशियंट है। तो मिडल कोफिशियंट को छोड़ दें तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है। तो देखो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 22C11 ये किसके बराबर होगा, 2 की पावर 22 के। तो एक्स का आंसर आ गया भाई 2 की पावर 22 माइनस 22C11/2, ऐसे आप आंसर दे सकते, सही है। लास्ट में कल हमने प्रॉपर्टी ही बताई थी, उस पर क्वेश्चंस नहीं करे थे, बस इसीलिए बस वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं अभी छोटे छोटे, फिर जो मेन एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। चलो ये बता दूं, यस सर, चलो मान लो मैं आपसे पूछूं कि जो भी नंबर था ना 19C0 माइनस 19C1 प्लस 19C2 माइनस 19C3 से लेके चलते चलते 19C19, ये किसके बराबर होगा? जीरो, क्योंकि सभी बाइनोमियल कोफिशियंट प्रेजेंट है और सबके बीच अल्टरनेट साइन है। और अगर मान लो मैं क्वेश्चन में इसकी जगह ऐसे दे देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, सभी बाइनोमियल प्रेजेंट है और अल्टरनेट साइन है तो भी आंसर जीरो ही आना था, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले सकते, तो ये जीरो आ जाएगा। चलो 18C1 माइनस 18C2 प्लस 18C3 माइनस, इस तरह चलते चलते माइनस 18C18 का आंसर क्या होगा? तो देखो आपने देखा ऑल्टरनेट सारे प्रेजेंट, रुको इतनी जल्दबाजी किस बात की, ऑल्टरनेट सारे प्रेजेंट है, प्लस माइनस ये माइनस है यार, तो एक लास्ट में नहीं है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये माइनस है अगर, तो कौन सा मौजूद नहीं है? 18C0 मौजूद नहीं है, yes, तो 18C0 अगर होता तो वो शुरू में मैं लगाता 18C0, तो ये प्लस का है अगर, तो 18C0 को किसका होना पड़ता, माइनस वन का होना पड़ता। yes, sir. देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यहां तक आ गया, नाउ ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई विद अल्टरनेट साइन। हमने 18C0 घटाया है तो 18C0 जोड़ना भी पड़ेगा, तो ये यहां से लेके यहां तक सारी आंसर जीरो हो गया। यस सर, तो ये बचा आंसर क्या आ गया, वन वन, सही है, ठीक है। yes, बस तो ये एप्लीकेशन है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटे फॉर्मूला याद रखना है, उसके अब मैनिपुलेशन है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। नाउ अपन शुरू करते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, है ना, हालांकि ये भी सीरीज ही है बायनोमियल्स की, बट एक टिपिकल टाइप प्रॉब्लम जो हम ऐसा है तो ऐसा करना है ना, जैसे हमने प्रोग्रेशन में करा था, तो उस पर बेस्ड कुछ रिजल्ट भी याद रखेंगे और उनको कैटेगराइज करके ध्यान रखेंगे, ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है ना। तो हेडिंग डाल दें
सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये मिटा दे। यस सर, वन मिनट, बस सिर्फ लास्ट पार्ट में आने देना। लिख लो, लिख लो। सर डन। हाँ जी, उसमें भी टाइप वन बता रहा हूं मैं आपको, है ना। टाइप वन है जो हम स्टैंडर्ड कर रहे हैं, व्हेन इन जनरल टर्म R is in numerator. R is in numerator. ये तो अपना टाइप है कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आई तो समझ जाए टाइप वन का प्रॉब्लम। अब उसमें करना क्या होगा, उसमें अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ R इंटू एन सी आर बराबर एन आ गया जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये आपको अप्लाई करनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। ठीक, चलो अब अपन क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन से कुछ तीन चार स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रखेंगे जो हमें एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स या बड़े प्रॉब्लम्स में जल्दी करने के काम आएंगे, है ना। याद रखा होगा तो जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज उसको बार बार करना पड़ेगा। एंड नहीं याद रखो तो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, बेसिक फंडा तो यही है, आप वो ध्यान रखोगे तो भी ठीक है, और उसके बाद उससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स और करेंगे, है ना। तो शुरुआत में एकदम सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिसको हम एज ए रिजल्ट ध्यान भी रखने वाले हैं। सपोज मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वन सी जीरो सॉरी वन इंटू एन सी जीरो प्लस टू इंटू एन सी वन प्लस थ्री इंटू एन सी टू, ठीक। या अभी ऐसा करते हैं, वन को भी मतलब सेम ही ले लेता हूँ, है ना। चलो ऐसे लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। थ्री इंटू वन इंटू एन सी, एक सेकंड, हाँ एन सी वन ले लेता हूँ मैं, इसको वन ले लो, इसको टू ले लो, इसको थ्री ले लो, है ना। जो रिजल्ट मुझे ध्यान करवाना है उसी की बात कर लेते हैं। एन इंटू एन सी एन, ये सीरीज किसके बराबर होगी आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक। मतलब इसका सॉल्यूशन बताना है आपको, ऑप्शन होंगे एन के टर्म्स में होंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा, ये तो एक सीरीज फॉर्म में आंसर है। तो अपन क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनरल टर्म है तो मैंने लिखा जनरल टर्म। जनरल टर्म में मैंने आपको कल भी बताया था, हमेशा कोशिश करें कि जो नीचे पैरों में नंबर है ना उसको क्या बोले, आर बोले, आर प्लस वन आर माइनस वन ऐसा ना रखें, सिंपल रखे आर, बाकी आस पड़ोस के टर्म्स को उसके हिसाब से सेट कर ले। तो मैंने नंबर को एनसीआर ही रखा, तो जनरल टर्म में मैंने रखा एनसीआर, ठीक। अब आपको ये समझ में आ रहा है, आर एक है फिर दो है फिर तीन है, इसका मतलब सिग्मा अगर मैं लगाता हूं तो आर की जगह आर एक से लेके एन तक जा रहा है। अब एनसीआर तो सेट बैठ गया, उसके साथ में देखो जो यहां है वो यहां है, जो यहां है वो यहां है, जो यहां है वो यहां है, मतलब जनरल टर्म में यहां पे भी आर आएगा प्रोडक्ट में, बोलो।
बस अब आपने जैसी जनरल टर्म लिखी और आपने देखा न्यूमिरेटर है, डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, और न्यूमिरेटर में एनसीआर के अलावा आर आ गया आर, तो पक्की बात है दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको तो हम एज रिजल्ट याद भी रखेंगे, बट मैं एक तरह से क्वेश्चन फॉर्म में दिखा रहा हूं आपको। तो मेरे दिमाग में है अच्छा ये प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमने क्या कहा था ये और ये सेम है, ये बेचारा खुश होगा आगे कूदेगा लात अपने हाथ पैर तुड़वा लेगा, ये कम हो जाएगा ये कम हो जाएगा, तो एन आगे आएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये वाला इसके बराबर होता है क्योंकि सिग्मा आर बराबर एक से लेके एन तक। अब देखो एन तो कॉन्स्टेंट है तो एन को हम बाहर निकाल सकते हैं सिग्मा से, यस सर, एन को बाहर निकाल लिया, आर बराबर एक से लेके एन आ गया एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब देखो अब सिर्फ सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट बचे और बाइनोमियल कोफिशिएंट में मुझे रिलेशन पता है इसलिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ध्यान से देखना एन कॉमन लिया आर की जगह वन रखा तो क्या आएगा एन माइनस वन सी जीरो, दो रखा तो एन माइनस वन सी वन, तीन रखा तो एन माइनस वन सी टू, से लेके चलते चलते लास्ट टर्म आएगा एन माइनस वन सी एन माइनस वन। क्या ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है एन माइनस वन पावर के नंबर के? Yes, sir. और सबके yes, बीच प्लस है तो इसका सम टू yes, की पावर एन माइनस वन आएगा। yes, तो yes, बस आंसर आ गया एन इंटू टू की पावर एन माइनस, दिस इज योर आंसर। तो इस सीरीज का आंसर ही आ गया, बस ऐसे है मस्त क्वेश्चन है छोटे बड़े मतलब फॉर्मूले वाले, तो इसको याद भी रखे है ना रिजल्ट की सिग्मा आर एन सी आर। अब एक बात बताओ एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं यहां पे सिग्मा आर बराबर जीरो से भी चालू कर देता तो कोई फर्क पड़ना था क्या? भाई अगर मैं आर जीरो रखता तो पहला टर्म तो जीरो ही आना था ना, तो भी तो सीरीज यही शुरू होनी थी yes, है ना। तो अगर मैं सिग्मा आर yes, की जगह चाहे जीरो रखूं या वन रखूं, सिग्मा आर की आर एन सी आर और एक से लेके या जीरो से लेके एन तक का आंसर हमेशा ये आएगा एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। इसको अगर याद रख सके तो अच्छी बात है, नहीं तो डिराइव करने के लिए कोई खास बात नहीं। क्लियर है? यस चलो हो जाए तो बता देना। हो गया सर। बिठा दे। यस सर। यस सर। चलो मान लो सेकंड क्वेश्चन मैं सीरीज में नहीं मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही दे रहा हूं आपको कि सिग्मा फॉर्म में दे रहा हूं उसको सॉल्व करो है ना। सपोज क्वेश्चन इज सेकंड है ना, सेकंड पॉइंट मान लो चाहे तो क्वेश्चन मान लो कि सिग्मा आर बराबर जीरो से लेके एन तक आर इंटू आर माइनस वन इंटू एन सी आर, ये आपके सामने सीरीज है। ठीक है, वो ना इसका आंसर क्या होगा, इसको खोल के भी लिख सकते हो आर की जगह वैल्यू डालते रहोगे है ना तो सीरीज आ जाएगी। मान लो मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे दी तो अब ध्यान दो कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे दी तो आपका ये आर और ये आर मैच कर रहा है तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी लग जाएगी तो ये n आगे कूद जाएगा। अगर ये n आगे कूद गया तो n आगे आ गया फिर r माइनस वन तो पड़ा ही हुआ है और ये बचेगा n माइनस वन सी आर माइनस वन सिग्मा। अब थोड़ा सा एक जस्ट एक टर्म सुन लो एक बात सुन लो, अब पता है क्या है जब यहां पे सिग्मा r जीरो है ना, अब यहां पे आप सिग्मा r बराबर जीरो से n लिख नहीं सकते। उसका कारण है
क्योंकि अगर आप इसमें जीरो रखते हो तो ये क्या आएगा, एन माइनस वन सी माइनस वन आ जाएगा। क्या वो डिफाइंड है? नो सर, तो इसलिए हम नेचुरल नंबर से होता, इसलिए हम यहां पे आर जीरो नहीं ले सकते, आर हमें वन से शुरू करना पड़ेगा। तो सर ऐसा क्या हो गया, मतलब यहां से यहां जाते जाते सिग क्यों बदलना पड़ गया? तो उसका रीजन समझो कि यहां आर बराबर जीरो रखने पे टर्म जीरो ही तो आ रहा है। Yes, sir. तो वो टर्म है ही नहीं सीरीज के अंदर। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी, उसके बाद इस सीरीज के अंदर आर बराबर जीरो रखने पे एब्सर्ड टर्म आ रहा है, मतलब जो जिसका कोई मतलब नहीं है, तो वो इसलिए आ रहा है ना। मैथमेटिकली ये लिखना यहां जीरो से एन गलत हो जाएगा, इसलिए हमने कहा कि आप इसको आर बराबर वन से एन लिख दो तो सही है। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ जी, यस सर। हाँ, तो मतलब वो आने का रीजन क्या था, क्योंकि जीरो पे वो टर्म तो था ही नहीं, आपने प्रॉपर्टी लगा दी। भाई आपने तो प्रॉपर्टी लगा दी एन आर इंटू एन सी आर बराबर एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। वो जो प्रॉपर्टी लगती है देखा जाए तो आर इंटू एन सी आर बराबर एन इंटू एन माइनस वन सी आर, इसके लिए भी तो आर एक या एक से बड़ा होना चाहिए, तभी तो प्रॉपर्टी लगती है। जीरो के लिए इस पे प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती, तो आपने प्रॉपर्टी तो लगा दी मुंह फाड़ के, ये देखा नहीं आर बराबर जीरो अलाउड नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली आप ऐसे लिख नहीं सकते, इसलिए वन से लिखेंगे हम। क्लियर? यस सर। चलो नाउ अगेन इसको देख के ये खुश, दोनों सेम सेम, तो ये मुस्कुराएगा, तो ये आगे कूदेगा, तो आगे एन के साथ एन माइनस बना जाएगा, और जैसे ही ये आगे कूदेगा अपने हाथ पैर तोड़वाएगा, ये एक कम हो जाएगा, ये एक कम हो जाएगा, तो क्या ये एन माइनस टू सी आर माइनस टू सी बचेगा? Yes. अब आप कुछ समझदार हो कि यहां पे आर की वैल्यू कहां से शुरू होगी, दो से शुरू होगी, क्योंकि जीरो और वन रखने पे तो कुछ टर्म आएगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड आएगा। समझ रहे हो? और वैसे भी देखो जीरो और वन रखने पे ये दो टर्म जीरो थे, तो सीरीज में वो टर्म है ही नहीं। सही है? यस सर। चलो नाउ दिस इज द कॉन्स्टेंट पार्ट, इसको उठा के आप बाहर निकाल सकते हो। तो देखो n इंटू एन माइनस वन को मैंने बाहर निकाल दिया, अब बेटा क्या बचा, सिग्मा r बराबर दो से लेके n तक, ये है n माइनस टू सी आर माइनस टू। अब आप देखो इसमें सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट बच गए, और अगर इसमें मैं वैल्यूज रख के देखूं तो आपको दिख रहा है सबसे पहले दो रखेंगे तो आएगा एन माइनस टू सी जीरो, फिर आएगा एन माइनस टू सी वन, फिर आएगा एन माइनस टू सी टू, और चलते 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 लास्ट में ये आएगा एन माइनस टू सी एन माइनस टू। क्या ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं? Yes. तो इसका सम क्या आएगा, टू की पावर एन माइनस एन माइनस टू, तो फाइनली आंसर इज एन इंटू एन माइनस इंटू टू की पावर एन माइनस टू। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि सिग्मा चाहे आर जीरो से शुरू हो, चाहे वन से शुरू हो, चाहे दो से शुरू हो, एक ही बात है, क्योंकि तो शुरू का टर्म जीरो है, एन तक जाएगा, और आर इंटू आर माइनस वन इंटू एन सी आर है। तो आप याद कैसे रखोगे, एक बार इसको लगाया तो एन आ गया, दोबारा लगाया तो एन माइनस वन आ गया, मतलब n इंटू एन माइनस वन आ गया, अब 2 की पावर n माइनस टू बन जाएगा। सही है? Yes. देखो कोई भी डाउट आए उसी टाइम पूछ लेना, मैं बहुत आराम से बहुत स्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी को कोई परेशानी ना है। तो फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी आएगी या डाउट आएगी वो तुरंत पूछ सकते, क्योंकि एक बार जब चीजें फिर निकल जाती हैं फिर आपको समझ आने में दिक्कत आती है, फिर आपको दोबारा लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो अभी ही क्लियर कर लेना, किसी को किसी तरह की परेशानी रहे तो। अब जो लोग कल नहीं थे तो उनके लिए तो बस ये है कि वो प्रॉपर्टी है बस, अभी के लिए तो उसमें कोई खास बात नहीं है, वो प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी कैसे ही हो आप बाद में देख लेना प्रीवियस लेक्चर में। यहां तक क्लियर है कहानी सबको? यस सर। चलो
बिटा दे। यस सर कर लिया। यस सर। यस सर। मान लो थर्ड आ गया, ये सारे रिजल्ट्स की तरह याद करा रहा हूं मैं आपको, याद रखें तो ठीक, नहीं याद रखें तो ठीक, आप तो अब क्वेश्चन मान लेना कि क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ठीक। R इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू एनसीआर, आर बराबर जीरो से n। अब अगेन देखो ये और ये सेम, ये मुस्कुराया, ये आगे आया, n आया r माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, जीरो रखने पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो सिग्मा r बराबर एक से शुरू होगा। फिर ये और ये सेम, ये आगे आएगा तो n इंटू एन माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू एन माइनस टू इंटू सी आर माइनस टू, सिग्मा r बराबर दो से n शुरू होगा। फिर ये और ये सेम, फिर ये आगे आएगा तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, सिग्मा से बाहर निकाल लिए, r बराबर थ्री से डिफाइंड होगा, n तक जाएगा, n माइनस थ्री सी एन आर माइनस थ्री, ये सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है, तो जिसका आंसर 2 की पावर n माइनस थ्री आ जाएगा। कोई परेशानी? ये हमने थोड़ा जल्दी इसलिए खींच लिया क्योंकि सेम ही था जैसे पहले थे, फिर भी किसी को दिक्कत है तो पूछ ले। तो इसको रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो, सिग्मा आर बराबर चाहे जीरो से शुरू हो, चाहे वन से शुरू हो, चाहे टू से शुरू हो, चाहे थ्री से शुरू, ठीक है ना, क्योंकि उसके पहले वाले टर्म तो है ही नहीं, और एन तक जाए तो आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू, तो एन सी आर, आप ऐसे याद रखना, ये आगे ये आगे ये आगे, मतलब एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू टू की पावर एन माइनस थ्री। हाँ भाई याद रह सकते हैं, या याद ना भी रहे तो समझ में आ गया? यस सर। चलो सर नोट कर लें। कर लो। सर इसको पैटर्न की तरफ भी आता है। सर 2 मिनट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. अब इसको आप ट्राई करके देखो कैसे करेंगे। आर स्क्वायर आ गया सर साथ में, ये 2n नहीं है, आर स्क्वायर अलग है और एनसीआर अलग है। सोचो कैसे क्रैक करोगे इसको। सर आर आर को सर आर स्क्वायर को सर आर डॉट आर लिख लेंगे। फिर सर फिर जो वो वाली आर होगी सर, अब सर एन नो एन सर बाहर आ जाएगा। चलो सर, वो मैं समझ गया, एक बार बाहर आ जाएगा, फिर दूसरी बार आर क्या करेगा? देखो तो इसमें भाई, चलो ये बात सही है कि हमने इसको कहा कि आर इंटू एनसीआर लिख लिया, और सिग्मा आपका आर बराबर जीरो से एन है। अब ये और ये सेम है तो सही बात है, चलो ये आगे कूद जाएगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा आर एन एन
इंटू आर इंटू माइनस वन सी आर माइनस। अब आर बराबर वन से लेके अंदर जाएगा, जीरो से तो चलेगा नहीं, वन से चलेगा। नाउ प्रॉब्लम इज दैट कि अब ये आर और ये आर माइनस वन सेम नहीं है, और मैंने आपको हिंट क्या लिखा है टाइप वन प्रॉपर्टी में कि जब भी आर न्यूमिरेटर में आए प्रॉपर्टी तो यही लगेगी, क्वेश्चन तो सॉल्व इसी से होगा। मतलब अब थोड़ा भैया गणित है, मैथ्स बिना मैनिपुलेशन के थोड़ी मैथ्स होती है। तो हमने क्या जुगाड़ करा, इस आर को हमने लिखा आर माइनस वन प्लस वन। ठीक है, ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब दुकानें अलग अलग करेंगे तो आर माइनस वन सेम बन जाएगा। समझ में आया लॉजिक? अब देखो इसको और इसको अलग अलग कर दो, तो एक तो आ गया एन इंटू आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन का सिग्मा आर बराबर एक से एन, और दूसरा आ गया एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन का सिग्मा आर बराबर वन से एन। सही है? हाँ जी, यस सर। अब यहां प्रॉपर्टी दोबारा लग जाएगी, तो n इंटू एन माइनस वन बाहर आ गया, सिग्मा r बराबर दो से लेके n तक n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस, यहां n बाहर है, सिग्मा r बराबर वन से लेके n माइनस वन सी आर माइनस वन। क्या ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट मौजूद है एक से जीरो से लेके n माइनस वन तक? तो इसका सम तो आ गया n इंटू टू की पावर n माइनस वन, और इसका सम आ गया टू की पावर n माइनस टू, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू, ये आंसर आ गया। सही है? तो याद रखें इसको कि ये इसके बराबर होता है, या रटना नहीं है, इतना ध्यान रखें कि इसको हम ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो एक में तो n इंटू एन माइनस वन टू की पावर n माइनस टू जाएगा, और एक में n इंटू टू की पावर n माइनस वन जाएगा। सही है जी? ठीक yes, yes, और ये सीरीज अगर, ये तो मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे दी, वैसे होती तो कैसे दिखती है? ये ऐसे दिखती, वन स्क्वायर इंटू एन सी वन प्लस टू स्क्वायर इंटू एन सी टू। मान लो कल को क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप क्या करोगे, आप इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखोगे और ये रिजल्ट यूज कर लोगे, या कोई एक टर्म मिसिंग है तो उसको पहले ऐड कर लोगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा दोगे, फिर उसको लास्ट में घटा दोगे। ठीक है ना? ये रिजल्ट तो कभी लगेगा ना जब सारे टर्म मौजूद हैं। yes. हाँ जी, चले आगे चले। एक मिनट सर, नोट कर लो। ठीक है, ये कौन सा नंबर था, मान लो चौथा नंबर था ना, मान लो पांचवें नंबर की बात करूं मैं, क्वेश्चन मान लो चाहे तो प्रॉब्लम मान लो चाहे रिजल्ट मान लो, जैसे मर्जी देख लो। सपोज मैं पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में देता हूं ना, वन इंटू एन सी वन माइनस टू इंटू एन सी टू माइनस एन सी वन प्लस टू इंटू एन सी टू माइनस थ्री इंटू एन सी थ्री प्लस फोर इंटू एन सी फोर, इस तरह से चलेगा। ऐसे डैश 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 छोड़ने का मतलब क्या है, इनफिनिट तक थोड़ी जाएगा, लास्ट टर्म एन सी एन आएगा ज्यादा से ज्यादा, तो बस वहां तक जाएगा, और अगर इसको कहीं रोकना होगा तो वो लास्ट टर्म देके रोक देगा कि मतलब लास्ट वाला ये टर्म गायब है। ठीक है ना? सही है? यस यस।
ठीक है, तो इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो क्या बनेगा ये आर इंटू एनसीआर। देखो वन है तो ओड है, दो है तो प्लस, प्लस है थ्री है तो फिर माइनस है, मतलब माइनस वन की पावर आर, ऐसे लिख सकते हो। यस और अगर इसमें वन की जगह जीरो होता तो भी चल जाता, क्योंकि जीरो पे तो पहली टर्म जीरो ही आनी थी। अब आपने इसको देख के प्रॉपर्टी लगा दी तो एन आ गया, आ गया एन माइनस वन सी आर माइनस वन और माइनस वन की पावर आर सिग्मा आर बराबर वन से लेके एन तक। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आर बराबर वन रखता हूं वन, तो ये आएगा, ये एन को बाहर निकाल लो, एन को बाहर निकाल लो, आर बराबर मैं ये बन गया माइनस वन की पावर आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, कि अगर मैं आर बराबर वन रखता हूं तो ये क्या बनेगा एन माइनस वन सी जीरो, अगर मैं दो रखता हूं तो ये बनेगा एन माइनस वन सी वन, आर की जगह वन रखा तो एन माइनस वन सी जीरो, पर वन रखा तो माइनस साइन का, फिर प्लस रखा एन माइनस वन सी वन, फिर माइनस एन माइनस वन सी टू, तो इस तरह चलते चलते लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो आ जाएगा माइनस वन की पावर एन एन माइनस वन सी एन माइनस वन। तो क्या ये ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर प्रेजेंट विद ऑल्टरनेट साइन? यस सर। तो ये तो क्या हो गया जीरो हो गया, जीरो बस। तो याद रखा कि सिग्मा आर बराबर जीरो से हो या वन से हो से एन तक माइनस वन की पावर आर आर एन सी आर, ये होता है जीरो। ठीक है, अभी समझ में आ गया? यस सर। यस सर, वहां पर सिग्मा के नीचे जीरो टू वन नहीं आएगा जो रिजल्ट एंड में लिखा है? मैंने तो लिखा या तो जीरो टू एन होगा या आर बराबर वन टू एन होगा, क्योंकि तो जीरो रखने में जीरो टर्म वो पहले टर्म जीरो है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। चले अगले पे। यस सर। यस यस सर। अगला मान लो आया आर इंटू आर माइनस वन एनसीआर, वही है बस ऑल्टरनेट साइन के साथ है। ठीक, तो अगर मैं एक बार प्रॉपर्टी लगाता हूं तो एन बाहर आ जाएगा, मतलब आगे आ जाएगा सिग्मा से, आर बराबर वन से एन लिखना पड़ेगा क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होगा, वरना आर माइनस वन बचेगा और एन माइनस वन सी आर माइनस वन बचेगा। दोबारा मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो n इंटू एन माइनस वन बाहर आ जाएगा सिग्मा के अंदर, माइनस वन की पावर r इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू सी बचेगा, r बराबर दो से n आएगा। तो क्या ये वाले सारे ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है विद ऑल्टरनेट साइन? हाँ जी देख लो, चाहे तो r की जगह दो रखोगे तो n माइनस टू सी जीरो, फिर माइनस एन माइनस टू सी वन, फिर प्लस एन माइनस टू सी टू, चलते चलते लास्ट वाला माइनस वन की पावर एन एन माइनस टू सी एन माइनस टू, सभी प्रेजेंट है अल्टरनेट साइन के साथ, तो जीरो आएगा आंसर। यस बस, तो ये भी जीरो आ गया, इसको भी याद रख सकते हैं कि जीरो से करो या वन से करो या दो से करो आर इंटू आर माइनस वन इंटू एन सी आर, ये भी जीरो होता है। ठीक, क्योंकि जीरो और वन पे तो टर्म जीरो यानी दो
दो से शुरू होगा अल्टीमेटली खेल। हाँ जी, तो सिमिलरली मैं अगले के लिए भी बोल सकता हूँ ना। अब आपको फील आ गया होगा बार बार क्या माइनस वन की पावर आर, आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू, तीन बार लगाओगे यहाँ पे एन माइनस टू सी एन माइनस आर माइनस थ्री से बचेंगे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर प्लस होता तो टू की पावर एन माइनस थ्री आंसर आया था, लेकिन यहाँ ऑल्टरनेट साइन है तो आंसर जीरो आ जाएगा। सही है, बोलो। छठे नंबर पे ये भी बोल सकता हूं मैं, यस छठा नहीं मतलब छठा तो ये था, वो पांचवा था, फिर ये छठा था, अब ये सातवां हो गया। ठीक है, यस सर, प्लीज पे लिख लो मैंने कब कहा। एक चले हेलो सर जी, ठीक है, ऐसे आप नेक्स्ट ले सकते हो आठवां, सिग्मा आर स्क्वायर एन सी आर और माइनस वन की पावर आर, और आर बराबर जीरो से है। ठीक, तो अगेन एक बार प्रॉपर्टी लगाओगे तो एन आगे आ जाएगा, आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन की पावर आर, एन आगे आ जाएगा, सिग्मा आर बराबर वन से लेके एन तक। अब वही खेल खेलेंगे, इसको क्या लिखेंगे, आर माइनस वन प्लस वन लिखेंगे। अब देखो तो एक तो आएगा एन इंटू माइनस वन की पावर आर, ये आर तो गायब हो गया ना, अच्छा एक आर बचा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो अलग अलग करेंगे तो आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, दूसरा बन जाएगा एन इंटू माइनस वन की पावर एन माइनस वन सी आर माइनस वन का सिग्मा, आर बराबर वन से एन, आर बराबर वन से। अब अगेन इसमें यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो देखो एन इंटू एन माइनस वन बाहर, अंदर माइनस वन की पावर आर एन माइनस टू सी आर माइनस टू का सिग्मा, आर बराबर टू से एन जाएगा, प्लस इसमें क्या होगा एन सिग्मा आर बराबर वन से एन माइनस वन की पावर आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। क्या आपको दिख रहा है, ये भी सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है विद ऑल्टरनेट साइन, और ये भी सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है विद ऑल्टरनेट साइन, तो ये भी इंडिविजुअली जीरो, ये भी इंडिविजुअली जीरो, जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। दिख रहा है, यस सर, ठीक है ना, ऐसे ही ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो, ठीक है। यस सर, चलो तो ये क्वेश्चंस थे एक तरह से आठ, है ना। अगर याद रख सकें तो इनको एक रिजल्ट्स की तरह आगे यूज कर सकते हैं, नहीं तो फंडा तो ध्यान रखें करा क्या था ना, रटने की एक्सरसाइज कोई जरूरत नहीं है, फंडा ध्यान रखें तो एक आध मिनट में हो जाएगा अगली बार से। ठीक, तो मैं दोबारा लिस्ट कर देता हूँ कि क्या क्या बातें हमने अब तक करी हैं, इसके अंदर बता दो इसको। ठीक है, और बल्कि आप खुद एक एक बार खुद से करके देखना है, दो दो बार, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार देखो हमें समझ में आ रही है चीजें, एक एक स्टेप पे पकड़ होनी चाहिए कि सिग्मा यहाँ से यहाँ क्यों है या ये क्यों है, एडजस्ट क्यों करा टर्म्स वगैरह को ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ये तो स्टैंडर्ड है। जैसे स्टैंडर्ड में क्या था, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कल आपको कि एन सी आर आर बराबर जीरो से लेके एन तक सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट मौजूद है, जीरो से लेके एन तक, इसका मतलब इसका आंसर होगा टू की पावर एन होगा। उसके बाद हमने आज बात करी कि आर इंटू एन सी आर अगर होगा,
और आर बराबर चाहे जीरो से हो चाहे वन से हो, अगर एन तक है तो इसका आंसर होगा एन एक बार आगे आएगा और इंटू टू की पावर एन माइनस वन होगा। और अगर आर इंटू आर माइनस वन है, एन सी आर है और अगेन सिग्मा बराबर आर जीरो वन टू या एन से है तो इसका आंसर एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू की पावर एन माइनस टू आएगा। अगर यही कड़ी तीन बार चलती है तो ऑब्वियसली तीन बार आगे आएगा और फिर ये बन जाएगा n into n minus 1 into n minus 2 into 2 की पावर n minus 3 if all the terms are present, that is r is going from 0 to n और 1 to n और 2 to n और 3 to n है ना। next was कि r बराबर 0 से n है और अंदर r square into ncr था तो इसको हमने split करा था तो ऐसे लिख दिया था r दो बार, एक में दो बार लगेगा तो आएगा n into n minus 1 into 2 की पावर n minus 2 और एक में आया था n into 2 की पावर n minus 1, यही था। हाँ जी यही था ना। yes sir। फिर हमने कहा कि अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है और अल्टरनेट साइन है तो उसका आंसर जीरो आएगा। उसके बाद अगर उसके अंदर R है प्रोडक्ट में सारे प्रेजेंट है, जीरो से N है या वन से N है तो भी अल्टरनेट साइन है तो आंसर जीरो आएगा। माइनस वन की पावर R है, अंदर R है, R माइनस वन है और NCR है, सिग्मा R बराबर जीरो से N है तो भी आंसर जीरो आएगा। और अगर माइनस वन की पावर R है, R है, R माइनस वन है, R माइनस टू है, NCR है, अल्टीमेटली यहां पर भी आपका आंसर जीरो आएगा। और अगर माइनस वन की पावर आर है इंटू आर स्क्वायर एन सी आर है और आर बराबर जीरो से आपका एन है तो इसका आंसर भी जीरो आएगा। ये मैंने 10 क्वेश्चन एक तरह से आपको करा दिए और उनके रिजल्ट आपको बता दिए। क्लियर है? यस। जनरल फंडा यही है, जनरल टर्म लिखो, आर एडजस्ट करो, टर्म्स देखो कोई मिसिंग तो नहीं है और अगर न्यूमिनेटर में आ रहा है तो फॉर्मूला लगाओ और उसके बाद देखो क्या सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं तो 2 की पावर समथिंग आंसर आ जाएगा, नहीं है तो जो कमी पेशी है उसको एडजस्ट कर लो। अल्टरनेट साइन है सारे हैं तो जीरो है, कमी पेशी है तो एडजस्ट कर लो। ठीक, इस पे बेस था। अब अपन थोड़ा सा और इसमें अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं। ये तो एक तरह से स्टैंडर्ड था है ना मार्केट में, और एक दो क्वेश्चंस और करते हैं ताकि जिसमें सीधा सीधा ना लगे, हो सकता है इसमें से किसी रिजल्ट का यूज हो रहा हो या ना भी हमें याद हो तो हम उसको करने लायक होंगे। ठीक है जी, ये नोट कर लें और फिर हम आगे चलते हैं। और याद रखें, अच्छी बात है, नहीं याद रखें तो कम से कम ये याद रखें कि ऐसा कुछ था। चले यस सर, यस सर। मान लो क्वेश्चन आ गया फोर इंटू 18 सी वन प्लस 7 इंटू 18 सी टू प्लस 10 इंटू 18 सी थ्री, इस तरह सीरीज चल रही और उसने डैश डैश करके छोड़ दी। मतलब ऑब्वियसली जहां तक वो डिफाइंड है, मतलब 18 सी 18 लास्ट टर्म विल बी देयर इंक्लूडेड है ना। सबसे पहले जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म में मैंने क्या बताया था, आप हमेशा नीचे वाले को आर बोलो, आस पड़ोस को वैसे एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 18 सी आर। अब भाई एक बात बताओ, इसके अलावा
ये क्या चल रहा है लफड़ा? 4, 7, 10, 3 दिन का गैप है। एपी दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अगर आर बराबर 1 रखने पे ये आ रहा है तो आर बराबर 1 रखने पे 4 आना चाहिए। यस सर। तो 3 का गैप है तो आर का कोफिशिएंट तो 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस भाई 3R प्लस माइनस समथिंग होगा। और R बराबर 1 रखने पे 4 आना चाहिए, तो क्या यहां 3R प्लस 1 बन जाएगा? देखो 2 रखोगे 7, 3 रखोगे 10, हो रही है मैचिंग? दिस इज योर जनरल टर्म, R इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 18, क्लियर? जैसे ही आपने जनरल टर्म लिख ली, अब आप आगे बढ़े। आपने देखा न्यूमिरेटर में आ रहा है, स्प्लिट कर दो, मतलब एक तो आपने बना दिया 3 इंटू आर इंटू 18 सी आर का सिग्मा, आर बराबर 1 से 18, और दूसरा आपने बना दिया सिग्मा 18 सी आर, आर बराबर 1 से 18। तो देखो ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर सारे होते 18 सी 0 से लेके 18 सी 18 तो उसका आंसर होता 2 की पावर 18, लेकिन यहां पे एक मिसिंग है ना 18 से 0, तो क्या इसका आंसर 2 की पावर 18 माइनस 18 से 0 होगा? यस है ना। तो देखो ये मैटर करता है कि सिग्मा कहां से शुरू हो रहा है, एनसीआर का सिग्मा 0 से शुरू होगा तभी वो पूरे आएंगे, 1 से शुरू होगा तो मिसिंग हो जाएगा। वैसे जो मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा है आर इंटू एनसीआर का सिग्मा आर बराबर 0 या 1 से तो अलाउड है, तो उसका आंसर n into 2 की पावर n माइनस 1 है, बट अगर आर 2 से हो गया मतलब एक टर्म मिसिंग है ना, वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगेन खुले दिमाग से सोचना है। अब यहां पर देखो 3 को बाहर निकालोगे, आपको दिख रहा है ये मैचिंग हो रही है, तो टाइप 1 प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों ना वो प्रॉपर्टी लगा दूं आर वाली, आर आर सेम है तो ये भाई आगे कूद जाएगा, यार ही पूछ जाएगा 3 ऑलरेडी है 18 आगे आ जाएगा, हाथ पैर तुड़वाएगा, एक इसका कम हो जाएगा, एक इसका कम हो जाएगा, 17 सी आर माइनस 1 हो जाएगा, और सिग्मा बराबर आर बराबर 1 से लेके 18 तक चला जाएगा, ये 54 बाहर आ जाएगा 54, और उसके बाद क्या आपको दिख रहे हैं ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट मौजूद है 17 सी 0 से लेके 17 सी 17 तक। भाई 1 रखोगे तो 0 आएगा, लास्ट 18 रखोगे तो 17 आएगा, तो इनटू 2 की पावर 17 आ जाएगा। बस ये आपका आंसर है। सही है, तो बहुत इजी है ना, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है इस प्रॉब्लम से, बेसिक पकड़ के चलोगे एकदम सिंपल सिंपल है। क्लियर है, कोई परेशानी? लास्ट स्टेप क्या नहीं समझ में आया? लास्ट स्टेप, लास्ट वाला तो आंसर लिखे मैंने, ये 2 की पावर 18 माइनस 18 सी 0 क्या होता है 1 होता है, 18 गुना 3 क्या होता है 54 होता है, और ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम क्या होगा 2 की पावर 17 होगा। ओके सर। हां जी क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज 1 × 3 × 20 C1 प्लस 3 × 7 × 20 C2 प्लस 5 × 11 × 20 C3, इस तरह से सीरीज चल रही है। ठीक, जनरल टर्म लिखो सबसे पहले, तो 20 CR से शुरू करो, R बराबर 1, ठीक है ठीक है, तो मतलब सिग्मा में R बराबर 1 से लेके n तक जाएगा। अब ध्यान दो, ये 1 फिर 3 फिर 5,
दो का गैप है और आर बराबर वन रखने पे वन आना चाहिए, तो टू आर माइनस वन बन गया। भाई वन वाले में वन रखोगे तो वन आएगा, दो वाले में दो रखोगे तो तीन आएगा, सही है। यस सर। ऐसे ही ये तीन, ये सात, ये ग्यारह, चार का गैप है तो आर बराबर वन रखने पे तीन आना चाहिए, तो ये फोर आर माइनस वन बन गया। यस सर। यस सर। तो न्यूमिरेटर में आर है तो कहानी तो वही चलेगी। बोलो। यस सर। यस सर। तो बस अब अपन क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये है एट आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस फोर आर माइनस सिक्स आर माइनस माइनस प्लस वन ट्वेंटी सी आर का सिग्मा आर बराबर एक से लेके बीस तक। अब सबको स्प्लिट कर दें सिग्मास को, तो देखो एट टाइम्स सिग्मा आर बराबर एक से बीस आर स्क्वायर इंटू ट्वेंटी सी आर माइनस सिक्स टाइम सिग्मा आर इंटू ट्वेंटी सी आर आर बराबर एक से लेके बीस तक प्लस सिग्मा ट्वेंटी सी आर आर बराबर एक से लेके बीस तक, सही है ये बात। यस सर। ठीक। नाउ अब जो मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कराए हैं वो आपके काम आएंगे, है ना। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो आपकी मेहनत डबल होगी, बस यही था पर्पज उसका। आपको पता है कि ये सभी कोफिशियंट प्रेजेंट है तो 2 की पावर 20 है, लेकिन एक मिसिंग है, ध्यान रखना मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए कोई, जो स्टैंडर्ड याद रखा है, क्योंकि 0 से 20 का सम 2 की पावर 20 होता है, तो 2 की पावर 20 माइनस 20 से 0 आया। यस सर। अभी हमने इस रिजल्ट को याद करा था कि R into NCR सिग्मा R बराबर 1 से लेके N तक जा रहा है, तो इसका आंसर N into 2 की पावर N माइनस 1 होता है, याद है। यस सर। तो बस माइनस 6 तो था ही, इसका आंसर क्या आएगा 20 into 2 की पावर 19। तो देखो ये फायदा है, ऐसे छोटे बड़े क्वेश्चन में ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स अगर वो याद हैं तो आपका काम हो जाएगा, और उसमें भी गलती नहीं करनी है। मान लो यहां आर दो से शुरू होता तो मतलब वन वाला टर्म मिसिंग था, तो आपको वो इसमें से घटाना पड़ता, समझ में आई बात। यस सर। भाई बोलो। Yes, sir. और इसका रिजल्ट हमने अभी याद करा था, क्या था, दो पार्ट में था, 20 इंटू 19 इंटू 2 की पावर 18 प्लस वहां भी एक से लेके 20 तक का सिग्मा है, जीरो पे तो वैल्यू जीरो ही आएगी, तो सारे टर्म्स अलाउड है, तो 20 इंटू 19 इंटू 2 की पावर 18 प्लस दूसरा क्या था 20 इंटू 2 की पावर 19, याद है ना आपको। इसको क्या लिखोगे, R को R माइनस वन प्लस वन लिखोगे, अलग अलग करोगे तो R इंटू आर माइनस वन इंटू ट्वेंटी सी आर बचेगा और प्लस 20 सी आर बचेगा, पहले इसमें लगाओगे तो R इंटू 20 आगे आएगा 19 सी आर माइनस वन बचेगा, फिर माइनस वन प्लस वन करके दुकानें अलग अलग करोगे तो 20 इंटू 19 इंटू 18 सी आर माइनस टू बचेगा और प्लस 20 इंटू 19 सी आर माइनस वन बचेगा। अभी मैंने इसका प्रूफ कराया था तो ये रिजल्ट आया था n इंटू एन माइनस वन इंटू 2 की पावर n माइनस टू प्लस n इंटू 2 की पावर n माइनस वन, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैंने याद करा था। आपको नहीं याद तो इस क्वेश्चन को अलग से डील कर लो, कैसे, r को एक बार लगा दो फिर r माइनस वन प्लस वन करके दुकानें अलग कर दो, तो फंडा याद रहेगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। Yes, sir. बस
इस तरह से क्वेश्चंस को करने, कोई दिक्कत? नो सर बस ठीक है, मिटा दो, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर ले। यस सर। तो वो जो रिजल्ट्स है उनका ये यूज है, बीच में अभी याद होंगे। मान लो क्वेश्चन आ गया आपका 5 × 20C0 − 8 × 20C1 + 11 × 20C2 − 14 × 20C3 + इस तरह चल रहा है। आपने जनरेटर लिखी 20CR। अब थोड़ा सतर्क हो जाना ध्यान से कि प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है। तो पहले देखो माइनस वन की पावर R लगा के देखो सही बैठ रहा है क्या। अगर अब यहां आर की जगह जीरो रख रहा हूं तो जीरो रखने पे ये प्लस आ रहा है, वन रख रहा हूं तो नेगेटिव आ रहा है, सही है। अगर नहीं आ रहा होता तो ये अपन यहां प्लस वन या माइनस वन कर देते ताकि वो एडजस्ट हो जाता। क्लियर है? अब ये बैठ गया। अब देखो ये एक एपी चल रही है 5, 8, 11, 14 बोलो। यस सर तो 3R + −something होगा। अब यहां पे तुम धोखा पता कैसे खाओगे? तुम सोचोगे r बराबर 1 रखने पे फर्स्ट टर्म में 5 आना चाहिए तो तुम 3R + 2 बोल दोगे। वो गलती है। क्यों? ये प्रोग्रेशन नहीं है कि पहली टर्म के लिए r 1 होता है, ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल में तो आपका r यहां से डिसाइड होगा। r 0 रखने पे 5 आना चाहिए, मतलब 3R + 5 आएगा भाई। 1 रखने पे 8 आएगा, 2 रखने पे 11 आएगा। बात समझ में आ गई? छोटे से स्टेप से आप मर जाओगे तो यहां 3R + 5 आएगा, लिख लेना 3R + 2 नहीं आएगा। क्लियर है? यस सर। बस अब हो गया इसका सिग्मा आर बराबर 0 से n। अब दुकानें अलग अलग कर लो तो देखो 3R × 20CR − 1 की पावर R, 3 बाहर निकाल लिया। सिग्मा आर बराबर 0 से n प्लस 5 अलग कर दिया माइनस 1 की पावर आर 20CR सिग्मा आर बराबर 0 से n। अभी हमने रिजल्ट याद करा R × NCR − 1 की पावर R 0 से n का सम 0 होता है। यस सर। और ये भी अल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट सारे प्रेजेंट है, ये भी 0 होगा। तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। यस ठीक है, तो देखें इसको, है ना। शुरू शुरू में हो सकता है दिक्कत लग रही हो, बट अगर आप एकदम सिस्टम से ध्यान से एक एक बात मेरी सुनेंगे, जो ऐसे मैंने बताई है, जो रिजल्ट्स प्रूफ कराए हैं, या कल वाला लेक्चर पहले देख लें किसी को अगर दिक्कत आ रही हो, फिर आज वाला ये देखें, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और फिर भी कोई दिक्कत हुआ मुझसे पूछ लेना। ठीक है जी, कल कंटिन्यू करते हैं इस पर प्रैक्टिस, और टाइप 2 वगैरह भी आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। Okay.